गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। मैं वैशाली चौकीकर फ्रॉम एसकेडी पब्लिक स्कूल। बच्चों, आई होप आपने भी छुट्टियों में बहुत एंजॉय किया होगा। चलिए अब हम कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों, आज की डेट है 5 अगस्त 2020, और आज हम सीखेंगे डी फॉर डक बनाना। क्या है डी फॉर डक? है ना, डी फॉर डक। डक मीन्स बतख। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे लिखना है डी फॉर डक। देखिए, मैंने बनाए हैं और यहाँ पे ट्रेस किए हुए हैं। ऐसे ही आप मम्मी से कहिए कि वो आपको ऐसे ट्रेस करके देंगी, फिर आप उस पर लिखना स्टार्ट करोगे। ओके, चलिए देखिए, ये है वही है। ऊपर वाले पॉइंट पे पेंसिल रखे, हमें नीचे वाले पॉइंट तक लानी है और ऐसा एक हाफ सर्कल बना देना है। बस बन गया हमारा डी फॉर डक। कितना ईजी है ना? ऐसे ही आप भी बनाइए। ऊपर वाली पॉइंट पे पेंसिल रखिए और ये नीचे थर्ड वाली लाइन तक लाइए, और ये हाफ सर्कल बना दिया हमने। ये बन गया हमारा डी फॉर डक। बस बहुत सिंपल है। एक आपको केवल स्टैंडिंग लाइन खींचनी है और ये हाफ सर्कल बन गया हमारा डी फॉर डक। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे स्टैंडिंग लाइन और ये हाफ सर्कल, डी फॉर डक। क्या बनाया हमने? डी फॉर डक। ऐसे ही बनाने हैं आपको। ये है स्टैंडिंग लाइन और ये हाफ सर्कल, ये बन गया हमारा डी फॉर डक। ऐसे ही बनाइए आप। देखिए, स्टैंडिंग लाइन बनानी है हमें ऐसी थर्ड लाइन तक, और उस पे एक हाफ सर्कल ला के ऐसे मिला देना है। तो ये बन गया हमारा डी फॉर डक। क्या है ये, एक बार मेरे साथ और बोलिए, डी फॉर डक। इसके पहले हमने क्या क्या सीखा था? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर केट, और उसके बाद क्या आएगा? डी फॉर डक, है ना? डी फॉर डक होता है और डी फॉर डॉग भी होता है, ठीक है ना बच्चों? तो चलिए, आप अपना वर्क फिनिश कीजिए, उसके बाद हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय।